कब है? कब है होली? अरे भाई गब्बर नहीं, मैं पूछ रही हूँ। मैं 8 मार्च को। बस 5 दिन? तो क्या कहते हैं, गुजिया बना ली जाए? लेकिन अब गुजिया बनेगी तो उसमें बनाते वक्त जितनी मुश्किलें आती हैं उन सब के सॉल्यूशंस भी तो लाऊंगी ना मैं आपके लिए, है ना? गुजिया बनाने के 3 सिंपल स्टेप्स। डो बनाना, स्टफिंग बनाना, फ्राई करना। तो गड़बड़ कहाँ हो जाती है? अरे बहुत परेशानियां आती हैं भाई। कभी डो क्रैक कर जाता है, कभी फिलिंग लीक आउट हो जाती है, कभी गुजिया जल जाती है। गुजिया क्रस्ट बनने की जगह सॉफ्ट हो जाती है, फिलिंग ड्राई और क्रम्बली रह जाती है। गुजिया पर ब्लिस्टर्स या बबल्स पड़ जाते हैं जिससे उसका कवर टूटने और बिखरने लग जाता है। ओवर फिलिंग हो गई तो गुजिया ऑयल में फटने लग जाती है और सारा का सारा ऑयल खराब हो जाता है। 3 सिंपल स्टेप्स और इतने सारे प्रॉब्लम्स? फिकर नॉट, प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस भी है ना। तो चलिए आज गुजिया बनाने की A to Z पर सब पर मास्टरी कर ली जाए। शुरू करें। इससे पहले कि गुजिया बनानी शुरू की जाए, जल्दी से आप गुजिया के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। गुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 कप खोया, 2 कप मैदा, 1.5 कप पिसी हुई चीनी, 2 टेबलस्पून चिरौंजी, 2 टेबलस्पून किशमिश, 2 टेबलस्पून नारियल का बुरादा, 1/2 कप देसी घी एंड ऑयल टू फ्राई। तो स्टेप नंबर 1 क्या हुआ? डो बनाना। और यकीन मानिए इसमें भी काफ़ी कलाकारी है, क्योंकि क्या होगा अगर आपका डो सही नहीं बनेगा ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि डो फट सकता है, गुजिया जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन सकती है या बहुत ज़्यादा हार्ड भी बन सकती है, इतनी हार्ड कि वो क्रैक हो जाए, और इसी के साथ साथ आपकी गुजिया क्रिस्प ना भी बने, ऐसा भी मुमकिन है अगर आपका डो सही नहीं है तो। तो क्या किया जाएगा डो सही बनाने के लिए? एक तो पहली बात, अच्छे से नाप तोल करके काम किया जाएगा। तो जैसे 2 कप लिया है मैंने यहाँ पर मैदा, अब इस 2 कप मैदा में मैं ऐड करूँगी 1/2 कप घी। और यही नोट कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे जो ये कहती है कि घी बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए, घी आपका पिघला हुआ होना चाहिए। अब क्वेश्चन, क्या देसी घी की जगह हम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, फॉर द सिंपल रीजन रिफाइंड ऑयल जो है ना वो थोड़े टाइम के बाद खराब होने लग जाता है, एज अ रिजल्ट आपकी गुजिया रैंसिड हो सकती है, यानी कि महक सकती है। और दूसरी बात, रिफाइंड ऑयल का मोयन देने से जानते क्या होगा, आपकी गुजिया कभी भी खस्ता क्रिस्प नहीं बनेगी। तो मोयन का मतलब होता है कि आपने डाला घी अपने मैदे में और उसे आप अपने फिंगर्स से ऐसे रब कर लेंगे जब तक कि वो ब्रेड क्रम्स को रिजेंबल करने नहीं लग जाता। टिप नंबर 2, इसे अपनी मुट्ठी में इस तरह से बांध करके देखिएगा, अगर तो ये एक लड्डू की तरह से बन जाता है देन इट इज रेडी डन, अगर नहीं बनता है तो हो सकता है थोड़ा सा मोयन हमें इसमें और मिलाना पड़ेगा। और अब थोड़े से पानी के साथ इसका डो नीड कर लेंगे। लेकिन यही आती है आपकी टिप नंबर 3 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि पानी अगर थोड़ा सा गुनगुना होगा ना तो इसका डो ज्यादा बेहतर आप गूंद पाएंगे, इट बी इजी फॉर यू टू नीड द डो। अब क्वेश्चन, गुजिया के लिए डो कैसा गूंदा जाएगा भाई? गुजिया के लिए डो गूंदा जाएगा जो होगा थोड़ा सा स्टिफ, यानी कि सख्त। बहुत नरम डो हमें नहीं गूंदना है और ना ही इस डो को बहुत ज्यादा गूंदना है। और ये देखिए मेरा डो जो है ऐसी कंसिस्टेंसी का है। तो डो को रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, और तब तक स्टेप नंबर 2 फिलिंग प्रिपेयर कर ली जाए। अब फिलिंग बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा खोया। अब इस खोए को पहले एक पैन में लेंगे और इसको धीमी धीमी आंच पर हम भूनना शुरू करेंगे। इसे भूनेंगे जब तक कि ये हल्का सा गुलाबी नहीं हो जाता। अब ध्यान रखिएगा, खोए को भूनने का काम एकदम धीमी आंच पे होना है। तेज आंच पे अगर आपने खोया भूना तो खोया जल जाएगा, अच्छे से पकेगा नहीं, और जले की महक अगर किसी भी दूध के प्रोडक्ट में आ गई ना तो वो किसी तरह नहीं जाएगी। अब ये देखिए खोए ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। देखा आपने खोया कैसे अब गुलाबी होने लग गया है, हल्का सा इसने कलर ले लिया है। खोए को अच्छे से भून लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जानते हैं क्या होगा, आपकी गुजिया जो है ना वो लंबे समय तक चलेगी नहीं, जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए देखिए जब तक ये ऐसा हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता ना आपके खोए पर, तब तक इसे भूनते रहेंगे। अब इस खोए को एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए।
जब तक खोया ठंडा होता है, थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूंगी इसी पैन में कि बस थोड़ा सा कलर ले ले और फ्रेग्रेंट हो जाए। नाउ दिस इज एंटायरली ऑप्शनल, आप चाहें तो नारियल के बुरादे की जगह नारियल को कट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून चिरौंजी और इसी के साथ साथ 2 टेबलस्पून किशमिश भी। और अब ऐड करेंगे इसमें चीनी। अच्छा, चीनी ना मैं यहाँ पर पिसी हुई ले रही हूँ और इसी के साथ साथ बताने जा रही हूँ आपको आपकी नेक्स्ट स्टेप ऑफ द डे कि खोया जब ठंडा हो जाएगा ना तभी हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। गरम खोए में अगर आपने चीनी ऐड कर दी तो जानते हैं क्या होगा, आपका खोया एकदम रनी हो जाएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ऐड करेंगे इसमें 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पीसने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी मिला दी थी। ये देखिए, अगर आपने गरम खोए के साथ चीनी मिला दी होती ना तो चीनी एकदम ढेर सारा पानी छोड़ देती, जिसकी वजह से आपकी जो स्टफिंग है वो बहुत रनी हो जाती। लेकिन हाँ, अगर आपकी स्टफिंग बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए तो क्या करेंगे, घबराने की बात नहीं है, बस उसमें 1 चम्मच दूध मिला दीजिएगा। चीनी दूध को पकड़ लेगी और थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी स्टफिंग की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। स्टफिंग भी बन गई, एक बार इसे टेस्ट कर लीजिए, इसमें चीनी की मात्रा आपके फैमिली के टेस्ट के हिसाब से सही है कि नहीं। परफेक्ट। तो अब इसे हटाते हैं, गुजिया का जो डो बना के रखा हुआ था उसे लाते हैं और गुजिया के लिए छोटी छोटी पूड़ियां बेलनी शुरू करते हैं। अब डो के छोटे छोटे बॉल्स बनाइए जस्ट अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन और उन्हें तैयार करके रख लीजिए। दिस डन। अब एक कटोरी में मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 चम्मच मैदा और इस मैदे में ऐड करूंगी 1/4 कप ऑफ वाटर और इसका एक घोल बना लूंगी जिससे हमारी गुजिया को हम सील करेंगे यानी कि चिपकाएंगे। अब एक पतली सी आप पूड़ी पहले इसकी रोल आउट कर लीजिए। अब यही नोट कर लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए मेरी पूड़ी कितनी आराम से कितनी स्मूथली बिल रही है। जस्ट इन केस आपका डो क्रैक करने लग जाए, मतलब आपके डो में मॉइस्चर की कमी है, इसमें 1 टेबलस्पून दूध मिलाइए, डो को फिर से 2 मिनट के लिए नीट कर लीजिए और फिर अपनी पूड़ियाँ रोल आउट कर लीजिए। अगर आपका डो बहुत ड्राई हो जाएगा ना तो जानते हैं क्या होगा, आपके जो गुजिया बनेंगी वो एकदम से क्रैक करने लग जाएंगी, फटने लग जाएंगी। इसीलिए डो की सही कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अब अपना गुजिया का सांचा लीजिए और इसे पहले सूखे मैदे में आप अच्छे से रोल कर लीजिए। इसके जो एजेस है ना, ये स्पेशली सूखे मैदे से कोट हो जाने चाहिए। ऐसा करने से जानते क्या होगा, जब आप गुजिया को मोल्ड से निकालेंगे इट विल कम आउट वेरी इजीली वेरी क्लीनली। पूरी इसके ऊपर रख देने के बाद अब थोड़ा सा ये जो स्लरी हमने बनाया है एजेस पे लगा देंगे और इसमें स्टफिंग भर देंगे। एंड नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि स्टफिंग हमें कितनी भरनी है। अगर आपने ओवर फिलिंग कर दी स्टफिंग की ना तो जानते हैं क्या होगा, आपकी गुजिया फ्राई करते वक्त फट जाएगी। और अगर बहुत कम स्टफिंग डालेंगे तो क्या होगा भाई, कोई स्वाद ही नहीं आएगा। इसीलिए जितनी आपकी कैविटी का मोल्ड है ना उसका जो डेप्थ है केवल उतनी एक ही तरफ के बराबर आप इसमें स्टफिंग भरेंगे। नाउ लेट्स क्लोज दिस ओवर। इसे जोर से एक बार आप अपने हाथ से इस तरह से प्रेस कर दीजिए ताकि अच्छे से सील हो जाए। इसके बाद जितना ये एक्स्ट्रा मैदा है इसे रिमूव कर दीजिए, स्मूदन आउट कर दीजिए एंड ओपन दिस अप। अब ये देखिए गुजिया कितनी इजीली मोल्ड से बाहर निकल आएगी। इसे एक प्लेट में रखिए और गीले कपड़े से ढक करके रख लीजिए जब तक कि सारी गुजिया शेप नहीं हो जाती। इसी तरह सारी गुजिया बना ली जाए। सारी गुजिया शेप कर ली, अब कढ़ाई चढ़ाते हैं और कढ़ाई में ले लेते हैं तेल, घी या तेल। देखिए अगर आपको अपनी गुजिया चाहिए लंबे समय तक खस्ता बनी रहे तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा घी का। लेकिन हाँ, अगर आपके हाथ की गुजिया 3 से 4 दिन में खत्म होने वाली है तो आप इसे रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। और अब स्टेप नंबर 3, और यकीन मानिए यहाँ बहुत गड़बड़ होती है सबसे। भाई पहली तो ये बात कि जैसे ही आपने तेल में डाला अपना गुजिया, आप नोटिस करेंगे गुजिया फटने लग जाती है। उसका कारण ये हो सकता है कि आपकी गुजिया नंबर 1 प्रॉपरली सील्ड नहीं है और नंबर 2 आपने इसकी ओवर फिलिंग कर दी है। ज्यादा भर देंगे ना तो भी गुजिया फटने का डर रहेगा। अब तेल कितना गर्म होना चाहिए, तेल होना चाहिए लो टू मीडियम हॉट।
बहुत ज्यादा गर्म तेल में अगर आपने गुजिया डाली तो गुजिया बाहर से तो जल जाएगी, अंदर से रह जाएगी कच्ची, फिर कोई स्वाद ही नहीं आएगा। और अगर बहुत ठंडा तेल हुआ तो क्या होगा, गुजिया केवल तेल अब्सॉर्ब करेगी और बिल्कुल अच्छे से क्रिस्प नहीं होगी। गुजिया को हल्के हाथ से बीच बीच में आप पलटते जाइएगा ताकि ये दोनों तरफ से ना अच्छे से सिक जाए, दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाए। अब गुजिया हल्की सी गोल्डन हो गई है, इसे निकाल लेते हैं। वन बैच डन, दूसरा बैच भी मैंने यहाँ पर तलने के लिए डाल दिया है और देखिए ऐसा गोल्डन करके हम इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। तो देखा बन गई ना एकदम परफेक्ट वाली क्रिस्प गुजिया भी। अब क्या करना है, गुजिया को एंजॉय करना है। लेकिन हाँ, अगर किसी अपने को कहीं दूर इन्हें भेजना है, जैसे आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हो तो उनको, तो क्या करेंगे, इन्हें कैसे पैक करके सेंड करेंगे वो आपको बताती हूँ। गुजिया को कम्प्लीटली कूल डाउन करके एक लेयर एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर रखिए। अब इसे एक दूसरी लेयर ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कीजिए, साइड से इसे फोल्ड कर दीजिए ताकि ये कम्प्लीटली पैक हो जाए। नाउ पुट दिस इन अ बॉक्स एंड देन सेंड इट अक्रॉस। अब चाहे आप घर में गुजिया खाइए या किसी अपने को भेजिए, होली में गुजिया खाने से कोई ना रह जाए। होली कब है, कब है होली? किसकी आवाज आई? लेकिन उससे पहले इंग्रेडिएंट, वन सेकंड। तो स्टेप नंबर वन क्या हुआ, डो माना, मनाना नहीं बनाना। वंस अगेन मॉइस्ट रहेगी। ए बर्तन धोना बंद करो यहाँ पे।